दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होगी दुनिया में नई सुपर पावर के नाम से जाने वाले देश चाइना की। दोस्तों, चाइना एक देश ही नहीं बल्कि उसको ग्लोबल फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाए तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आज चाइना में ना बनती हो। हर छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज बनाने में चाइना पहले नंबर पर आता है, चाहे वह घड़ी हो, मोबाइल हो या फिर एक छोटी सी सुई ही क्यों ना हो। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में आज के दिन 17% मोबाइल अकेले चाइना ही सप्लाई कर रहा है। पूरी दुनिया के 80% एयर कंडीशनर चाइना में ही बन रहे। पूरी दुनिया के 60% जूते आज चाइना अकेला ही प्रोड्यूस कर रहा है। 72% सोलर सेल आज के दिन चाइना में ही तैयार हो रहे। 60% पूरी दुनिया का सीमेंट आज अकेला चाइना ही प्रोड्यूस कर रहा है। 65% शिप्स आज के दिन पूरी दुनिया में चाइना अकेला ही तैयार कर रहा है। पूरी दुनिया का 60% स्टील आज चाइना में ही प्रोड्यूस हो रहा है। पूरी दुनिया में 50% सेब जो मार्केट में आ रहा है वह अकेला चाइना ही प्रोड्यूस कर रहा है। और एप्पल के प्रोडक्शन के मामले में चाइना पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आता है। और दूसरा सबसे ज्यादा एप्पल की प्रोडक्शन करने वाला देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो केवल 6% ही प्रोड्यूस कर रहा है। इसके अलावा आप अपने फोन के कवर को उतारिए और देखिए, आप में से 98% लोगों की फोन पर लिखा होगा मेड इन चाइना। नकली माल बनाने में भी चाइना ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। वह कहते हैं ना कि चाइना का माल चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। लोगों का ख्याल है कि चाइना केवल सस्ती आइटम ही बनाता है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि पूरे वर्ल्ड में 70% मोस्ट ब्रांडेड लग्जरी आइटम आज के दिन चाइना में ही बन रहे हैं। ये वही चाइना है जो 1978 तक एशिया और अफ्रीका के गरीब देशों से भी गरीब था। हर साल ये देश 10% जीडीपी ग्रोथ ले रहा है और आज के दिन इसकी जीडीपी 49 टाइम्स बढ़ चुकी है। इसके अलावा इस देश में हर 5 दिन के अंदर अंदर एक नया व्यक्ति करोड़पति बन जाता है। लोग ये सोचते हैं कि चाइना ने इतनी प्रोग्रेस कैसे करी। ये सवाल आज के दिन पूरे वर्ल्ड के लोगों के मनों में आता है कि आखिर चाइना के पास कौन सी ऐसी चीज है जो उसको इतना आगे लिए जा रही है। मैं आपको बताता चलूं कि सारी दुनिया सर्च इंजन के लिए गूगल का यूज कर रही है, लेकिन चाइना आज भी बाइडू का ही यूज कर रहा है। दुनिया भर में गूगल का ब्राउजर क्रोम है, लेकिन चाइना आज भी यूसी ब्राउजर पर ही अपना काम चला रहा है। आज के दिन पूरी दुनिया में लगभग 2 बिलियन लोग व्हाट्सएप का यूज करते हैं, लेकिन चाइना में आज भी वीचैट का ही उपयोग हो रहा है। इन्होंने अलीबाबा को बढ़ाने के लिए आज तक अमेज़न को अपने देश में घुसने ही नहीं दिया। दुनिया के सभी देश आज जीमेल को सेट कर रहे हैं, लेकिन ये अभी भी क्यूक्यू मेल का ही यूज कर रहे हैं। फेसबुक ने जी जान का जोर लगाया कि दुनिया की सबसे अधिक पॉपुलेशन चाइना में है और चाइना में बड़ा धंधा मिलेगा, लेकिन इन्होंने फेसबुक को लात मारी और रेनपी को इंट्रोड्यूस करवाकर फेसबुक को देश में घुसने नहीं दिया। इसके अलावा ट्विटर की जगह इन्होंने VW को लॉन्च कर दिया और यूट्यूब का तो इन्होंने अपना ही वर्जन निकाल दिया, Youku.com। वैसे तो इस देश के लोगों की हाइट कम और आंखें ऑलमोस्ट नानक डिस्टेंस होती है, लेकिन इनका दिमाग हाईवे पर चलती फरारी से भी तेज दौड़ता है। दोस्तों, चाइना का ऑफिशियल नेम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। पूर्व एशिया में बसा एक सुंदर सा देश है जिसकी सीमा की कुल 14 देशों से मिली हुई है, जिसका कुल एरिया 95,96,961 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो रशिया, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा देश माना जाता है। इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी यहाँ पर एक ही टाइम जोन मौजूद है, जिसके कारण अगर क्रिस्टल चाइना में सनराइज होता है सुबह 7 बजे तो वेस्टर्न चाइना में सनराइज होगा 11 बजे। पॉपुलेशन के हिसाब से इस देश की गिनती पूरी दुनिया में पहले नंबर पर होती है, जिसकी कुल पॉपुलेशन 1.4 मिलियन से भी अधिक है। यही नहीं, चाइना की पॉपुलेशन अमेरिका से 4 टाइम और पूरी दुनिया में ऐसा माना जाता है कि हर 5 में से 1 चीनी है।
बीजिंग को इस देश की राजधानी और शंघाई को इस देश के सबसे बड़े सिटी होने का सम्मान हासिल है। चाइना के लिए एक बात फेमस है कि यहाँ पर कुर्सी और मेज को छोड़कर सब कुछ खा लिया जाता है। इसीलिए यहाँ कुत्तों, बिल्लियों, सुअर, मगरमच्छों, यहाँ तक के 10 साल के बच्चों के यूरिन में बॉइल एग भी बड़े शौक से खाए जाते हैं। इन एग्स को बच्चों के यूरिन में 24 घंटे तक बॉइल किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन बच्चों के यूरिन में मौजूद विटामिन, मिनरल्स इन अंडों में फ्यूज हो जाते हैं और इससे इन लोगों के ब्रेन और भी शार्प हो जाते हैं। चाइना में एक से ज्यादा बच्चे को पैदा करना कानूनन अपराध माना जाता है। इसीलिए यहाँ हर वर्ष 10 लाख लड़कियां अबॉर्शन करवाती है। हमारे देश में एक जमाने में कबूतर चिट्ठियां भेजने के लिए यूज होते थे। राजा महाराजाओं के जमाने में जब किसी राजकुमारी को अपने राजकुमार को खत लिखकर भेजना होता या फिर किसी राज्य के जासूस को अपने राजा को बाहरी आक्रमण की खबर भेजनी होती तो वह अपने वफादार कबूतर से वह संदेश भेजते थे। लेकिन आज के दिन चाइनीज तो उससे भी दो कदम आगे निकल गई। उन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि कबूतर सिर्फ अच्छे पोस्टमैन ही नहीं बन सकते बल्कि वह अच्छे सोल्जर भी बन सकते हैं। यही कारण है कि चाइनीज ने 10 लाख कबूतरों को ट्रेनिंग दे रखी है ताकि युद्ध के समय इन कबूतरों से काम लिया जा सके। वर्ष 2011 और 13 के दरमियान चाइना ने इतनी सीमेंट का यूज किया था कि जितना सीमेंट अमेरिका ने पूरी 20वीं सदी में ना किया हो। इसके अलावा चाइना में हर 5 दिन के अंदर अंदर एक आसमान से बातें करने वाली बिल्डिंग तैयार कर ली जाती है। जितनी सुसाइड आज के दिन चाइना में होती है इतनी सुसाइड पूरी दुनिया में और कहीं नहीं होती। इसीलिए यहाँ नदियों से लाशें निकालने की जॉब भी आसानी से मिल जाती है। पूरी दुनिया में आज अपनी पहचान रखने वाली कंपनी अलीबाबा, चाइना मोबाइल, फेडएक्स और आज के दिन की फेमस ऐप टिकटॉक को भी चाइना की ही ऐप माना जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना में 2025 तक न्यूयॉर्क जैसी 10 सिटी बन चुकी होगी। इस देश में एक ऐसी वेबसाइट भी चलती है जहां पर आपको रेंट पर भी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। आज के दिन पूरे अमेरिका में जितनी पॉपुलेशन मौजूद है इससे कहीं अधिक चाइना में सेलफोन का यूज होता है। इस संसार में आज के दिन 20% प्रदूषण का कारण सिर्फ चाइना देश ही है। यहां पर मास्क पहनकर घूमना इन लोगों की मजबूरी बन चुकी है। जैसे हमारे देश में लोग हाथों से खाना खाना पसंद करते हैं इसी तरह वेस्टर्न देशों में लोग स्पून का यूज करते हैं। इसी तरह चाइना और जापान के लोग चॉपस्टिक से खाना खाते हैं। इसीलिए हर साल 80 बिलियन चॉपस्टिक का यूज होता है और 2 लाख ट्रीज को काट कर डिस्पोजिबल चॉपस्टिक तैयार कर ली जाती है। चाइना में ही सबसे पहले इस बात का पता लगाया गया था कि खून हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन करता है और इसको हमारा दिल पंप करता है। फ्री गॉर्जियस डैम चाइना में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा डैम माना जाता है जो 2.3 किलोमीटर चौड़ा और 192 मीटर लंबा है जिसकी टोटल वाटर स्टोरेज कैपेसिटी 39.3 बिलियन मीटर क्यूब है। आज के दिन आइसक्रीम खाना किसको पसंद नहीं है लेकिन इस आइसक्रीम का आविष्कार भी सबसे पहले इसी देश चाइना में ही हुआ था। इसके अलावा रेशम क्रश बेस्ट टॉयलेट पेपर गन पाउडर का इसी देश में ही आविष्कार हुआ था। पूरी दुनिया में जितने सुअर आज के दिन मौजूद है इनमें से आधे सिर्फ चाइना में ही पाए जाते हैं। 1973 में चाइना ने अपने देश की 1 करोड़ महिलाओं को अमेरिका को दे दिया था। वह इसलिए ताकि अमेरिका की पॉपुलेशन को बूस्टअप किया जा सके। वर्ष 2010 तक दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम चाइना में ही लगा था जो 89 किलोमीटर से भी लंबा और 12 दिनों तक रहा था। आज के दिन पूरे चाइना में इतनी ज्यादा रेलवे लाइन स्थित है। इन रेलवे लाइन से इस संसार को 2 बार लपेटा जा सकता है। इस संसार का सबसे बड़ा ब्रिज भी चाइना में ही मौजूद है। इसकी लंबाई 1,64,800 मीटर है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि चाइना की सरजमीन पर सबसे पहले पाकिस्तान के जहाज ने ही लैंड किया था और चीन को बैंकिंग सिस्टम भी पाकिस्तान ने ही बनाकर दिया था जो आज तक चल रहा है। अगर चाइना में शेयर करने वाली जगह की बात की जाए तो दीवारें चीन देखे बगैर वापस आ जाना चाइना ना जाने के बराबर है। ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है जो खुलासे भी दिखाई देती है।
दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।